सरकार के द्वारा 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इंद्री की अनाज मंडी में सरकार के दावे आज फेल होते नजर आ रहे हैं। अनाज मंडी में किसानों का गेहूं पहुंचा हुआ है, लेकिन ना तो गेहूं खरीद एजेंसी वाले मौके पर पहुंचे हैं, ना कोई बारदाना है और ना ही सफाई इत्यादि की समुचित रूप से व्यवस्था की गई। हैरानी की बात तो ये है कि जिस किसान की गेहूं अनाज मंडी में पहुंची हुई है, उसके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत कोई मैसेज तक नहीं है। इंद्री में अनाज मंडी में गेहूं खरीद की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने सरकार की गेहूं खरीद की व्यवस्था को लेकर के रोष जताया और चेतावनी दी कि यदि सरकार किसानों को परेशान करने वाली व्यवस्थाओं को वापस ले। मंडी में न पीने की व्यवस्था दिखी हमने, न खाने की तो कभी हुई करी नहीं मंडी में, क्योंकि किसान जब फसल लेके आता है मंडी की तरफ से कोई कंटीन खुलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिसमें कंट्रोल रेट पे किसान को चाय रोटी पानी ये इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं सफाई की बात चली, कोई सफाई नहीं, पड़े कूंदरे लगे, चीर दी कूंदरे लग रहे, कोई सफाई नहीं है मंडी में। किसान इंद्री मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचे तो वहां मार्केट कमेटी के सहायक सचिव से इस सारी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर उन्हें तत्काल व्यवस्था करने के लिए कहा। सहायक सचिव सुजेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक कोई बारदाना मौके पर नहीं पहुंचा है, हालांकि खरीद एजेंसियों की ड्यूटी लग गई है और इस दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो गेहूं मंडी में पहुंचा हुआ है उस किसान के पास मैसेज गेहूं खरीद का नहीं है, मैनुअल मैसेज से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मंडी में सफाई व्यवस्था, पानी व शौचालय आदि की व्यवस्था ठीक है। जी इस बार मैसेज चले गए हैं, कल से शुरू हो गए थे और दो गेट अभी हमने खोले, दो नंबर और चार नंबर गेट, उस पे कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाए हुए हैं। जैसे ही किसान आएंगे अपना मैसेज दिखाएंगे, अपनी आईडी दिखाएंगे, गेट पास कटेंगे। ये सर जो पहले जिनकी आ गई थी बिना मैसेज इनके मैनुअल, हाँ जी ये बिना मैसेज के ले आए थे, लेकिन इनके मैनुअल गेट पास हम काट लेंगे अभी फिलहाल। जब इनके ऑनलाइन होंगे तो इनको ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि अभी हमें हमारे पास फिलहाल तो ये डायरेक्शन है कि ऑनलाइन उसके शेड्यूल के हिसाब से काटना है। इतनी सर यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है। कोई खरीद एजेंसी आ रही है? कोई एजेंसी सर कल आए थे, वो आज उन्होंने बारदाने के लिए बोला, आज वो बारदाना भी सारा बारदाना दे देंगे सर, आज कल तक कुछ नहीं था सर। आज की बात करेंगे, आज वो कह रहे हैं कि आज आधा बारदाना। कौन कौन से एजेंसियां? हैफेड है, डीएफएससी है सर, आज इसका हैफेड डीएफएससी है। हां नमस्ते, जो भी टॉयलेट वगैरह सबकी सफाई की व्यवस्था कर दी गई है, और वाटर कूलर से भी चल रहे हैं, गेट नंबर 3 पे भी है, 2 पे भी है। हमने 2 ऑपरेट रखे हैं जी गेट, क्योंकि अभी अराइवल शुरू के 9 दिन जो है मंडी कैपेसिटी की कोई 30-50% के हिसाब से मैसेज आएंगे, और जैसे ही आगे कैपेसिटी बढ़ेगी 100% फिर हम तीनों गेट ऑपरेशन करते हैं। ये कोरोना की भी कोई जान रखा जा रहा है? कोरोना का भी, हाँ जी कोरोना का ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हमारे पास गाइडलाइन आई है, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि वो गेटों पे मास्क वगैरह को बैठे। भारतीय किसान यूनियन के नेता रामपाल चहल ने कहा कि अधिकारी के इन दावों को झूठ बताया। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं के सरकारी खरीद करने की घोषणा की गई है और इस घोषणा के तहत आज अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद होनी थी, लेकिन ये दावे आज फेल हो गए हैं। देखिए सरकार का ये भी 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो जाएगी, माल भी आ गया मंडी में, सूखा पड़ा देखा है अभी सारे किसान इकट्ठे हो रहे, तो अभी बारदाना भेज कर सरकार ने भरवा लेनी चाहिए। लेकिन सरकार से एक मांग है किसानों की, एक तो जो पैसे हैं वो आढ़ती के खाते में भेजने चाहिए, किसान को सीधे ना भेजें, क्योंकि किसान का लेना देना है आढ़ती के लो और वो हमारा व्यवहार बने रहना चाहिए। दूसरी बात जो ये नए नए बना कर ले आई हैं भाई, कटे दाना 2% लेंगे, 1% लेंगे, नमी घटा दो, इसकी डस्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे पे पुग देनी। एक ही पोर्टल वाला और छेड़ दिया, अगर जिस दिन उसका नंबर आओगा फिर आओगी, फिर गेट पर गेट पास पर वहाँ गेट पास नहीं कटा, गेट पर खड़ी रहा ट्रालियाँ, टाइम बांध दिया, अच्छे तो अच्छे कटेगी किसान पर, किसान तो इस सीजन में इतना व्यस्त हो जा, रात ना भी माल लेकर आ जाए, वहाँ ट्रालियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, फिर कहेंगे हमारा सर्वेयर नहीं काम करता,
फिर वही हमने आंदोलनरत होना पड़ेगा। इसलिए सरकार से मांग है हमारी कि जैसे एक सीज़न छोड़ कर उसके पिछले सीजनों में जिस तरह आराम से जिस टाइम किसान माल लिया हुआ था सुखकर साफ होना चाहिए उसी टाइम तुल जा, यही हमारी मांग है किसानों को हड़ते के माध्यम से पेमेंट। क्या खरीद शुरू हो गया? देखो दावे तो कर रही सरकार भी, हम पहली से कर देंगे, अभी टाइम बताएगा कौन सी एजेंसी। इंद्री से मेनपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।